ra bị chỉ thế nào rồi. Đây mãi biết nó tạch lệ, đâu đi. तो कैसे आप सब, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज किधर आए मास? आज हम जरा आए थे ऑफर दिखाने आपको एपी किचन का। थोड़ा लेट हो गए हैं मगर फिर भी टाइम पे आए हैं क्योंकि कल का एक दिन बाकी है उनका, अभी भी दो दिन तो, बाकी। हाँ, ये कहाँ पर आता है भैया एड्रेस? ये है ना अपना मॉडल कॉलोनी चौक है ना, कॉलेज रोड, उधर उसके जस्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो इधर है ना दो ऑफर है, एक है ना चकली वड़ा पाव बोल के 9 rupees का चकली वड़ा पाव, वो ले चुका है हमने। और दूसरा ऑफर क्या है? पिज्ज़ा। हाँ, पहली बार सुना है, पर ठीक है अभी देखते हैं। और दूसरा है पिज्ज़ा। और दूसरा है जो है पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा को वक्त पर ये खत्म होने आए थे तो हमने बोला एक एक दे दो, फटाक से मेकिंग में दिखा पाए क्योंकि उनका खत्म हो चुका था। इसकी प्राइस जो है वो 9 rupees है ओनली ऑफर के लिए। ऑफर के लिए सिर्फ दो तीन दिन जो चल, वो पोस्टमार्टम करते क्या है भाई, देखते हैं। चटनी तो दिख रही है भाई, ग्रीन और रेड। वड़ा भी डिसेंट क्वालिटी का। हाँ, चकली का चूरा डाला है भाई, मेरे को लगा पूरी चकली डालेंगे, मेरे को भी वही लगा था भाई। ये दिवाली का आइटम है चकली, ये देखो इसमें भी चकली है। चकली नहीं रे, चकली भाई, चकली चकली। ओके, चकली गजब बेइज्जती है। ट्राई करते भाई, ट्राई करते। दूसरा है अपना पिज्ज़ा, वो भी ट्राई करेंगे। सही है, सही है। और ना रेगुलर, मतलब रेगुलर है। और इस चटनी से क्या होता है, क्रंची क्रंची क्रंचीनेस आ रही है बाइट में, और क्रंची महसूस हो रहा है। हाँ, मतलब एक न्यू टेस्ट आ रहा है आपको वड़े पाव जैसा। अभी बहुत सारे लोग जो निकाल रहे हैं चॉकलेट वड़ा पाव, ये वड़ा पाव, वड़ा पाव। और ये लास्ट का था ना, तो भी थोड़ी क्वालिटी मेंटेन। हाँ, अच्छी लग रही है क्योंकि उन्होंने ना पहले ही सुबह से ना 4-5 तो बेच दिए, वो बोले फिर मस्त एक और ट्राई। ठीक है, तो अभी रुकते हैं फिर, पिज्जा जब तक रेडी होता है जब तक के लिए। भाई अब किसकी बारी? भाई अभी बारी आ गई है पॉकेट पिज्ज़ा। पॉकेट पिज्ज़ा, पॉकेट पिज्ज़ा, मतलब बोलते तो है इसको पॉकेट पिज्ज़ा, पर उसकी प्राइस है क्या पॉकेट पिज्ज़ा जैसे? कितनी प्राइस है भाई? दो दिन के लिए सिर्फ 15 rupees में क्या चाहिए अभी? ठीक है भाई, 15 rupees में देख लो। दिखा दिखा दिखा, मगर एक सस्ते में इसलिए दो लिए, नहीं तो एक भी परवड़ता नहीं होगा क्या? मगर एक बात, एक बात मेरे को लगी, इसको ये पिज्ज़ा है ठीक है, मगर इसका जो बेस है इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ कौन से चीज है। ओनियन है और कुछ मसाला, कैप्सिकम, टोमेटो एंड ऑरिगन और बहुत सारे सॉस है क्या? बढ़िया बढ़िया है। टेस्ट आ रहा है अपन ने का मार्केट और पिज्ज़ा खाते देखा क्या? ऐसा नहीं है कि बर्गर का बेस यूज़ किया बोले तो टेस्ट अलग हो जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी। नहीं, मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा ना इसको बेस को और थोड़ा कड़क करना चाहिए, क्योंकि जो पिज़्ज़ा का बेस जो रहता है वो कड़क रहता है। और मैं मानता हूँ भीड़ बहुत है, हाँ वो हिसाब से भी थोड़ा झोल हो सकता है, वो भीड़ के कारण है ना, उनको फटाफट देना पड़ रहा है ना, सब घर किसी को घाई है, मगर जल्दी चाहिए। वेल एंड गुड, कल अगर आके आप टेस्ट कर सकते हो
तो मस्ट ट्राई। और कल से ही ना, दो दिन, आज 14 तारीख है, 15-16 तीन दिन के लिए, तो आज तो खत्म हो जाएगा टाइम आपका। इसका जो टाइमिंग रहता है ना, आपको वड़ा पाव जो मिलेगा वो 9 से 2 मिलेगा, 9 से 2 ठीक है। फिर उसके बाद जो पिज़्ज़ा वगैरह है आपको 3 से 2 ग्राफ का, बराबर ना, कुछ के डाल देंगे। हाँ ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर आओ, टेस्ट करो। टेस्ट करो क्या है 15 रुपये और 9 रुपीज़ का वड़ा पाव। हाँ, और हम लोगों को बताओ 24 रुपीज़ खर्चे होंगे सिर्फ, तो बेस्ट है मेरे। और बाकी हम लोगों को बताओ कि कैसा लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या था। और बाकी जब तक के लिए लाइक करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो।